देखते हैं साइडलिंग करते हुए कैसे चलते हैं हम लोग यहाँ से। बना रहे और सिलेंडर रखा है हमारे पास और बस मस्ती करेंगे अब। गुड मॉर्निंग फ्रॉम पदुम। तो आज अभी 8 बज चुके हैं और नेक्स्ट राइड स्टार्ट करने वाले हम, बस थोड़ा नाश्ता करने जाते हैं ऊपर। ये जो हमने होटल लिया इसी के ऊपर रेस्टोरेंट है और ये बाहर का थोड़ा सीन है, बाहर का सीन दिखा देता हूँ। ये बाहर का सीन है, ये हमारा होटल है, होटल का नाम है कैलाश होटल एंड रेस्टोरेंट। क्या क्या भाई तुम्हारे भाई? तबीयत खराब हो गई मेरी, भाई की तबीयत खराब हो चुकी है नईम की और हालत खराब है इनकी। हाँ नहीं खराब है हालत यार, यूं मत करा करो हालत खराब यार, व्यूज लेने के लिए सब कुछ कर लेते हैं भाई, ये सब मत करा करो यार। खाली बुखार आया है रात में, बुखार आया है, आप देखते हैं आज क्या सीन होता है। आज भाई का मन करता ही नहीं करता, नहीं तो यहीं से करना पड़ेगा। और ये पदुम नज़ारे, और भाई अच्छा रेस्टोरेंट है, बढ़िया खाना खाने के लिए, ब्रेकफास्ट के लिए, डिनर के लिए। उत्तराखंड, अच्छा उत्तराखंड लिखा हुआ है भाई इस पे, उत्तराखंड रेस्टोरेंट देहरादून। बाइक रेडी कर रहे हैं और बैग आज हमारे यहीं पर, आज हम क्योंकि हम लोग अभी पेंजिला रंगदूम जा रहे हैं, फिर वहाँ पे इससे रिटर्न होंगे और यहीं पर हमारा इसी होटल में हमारा स्टे है। तो टाइम हो चुका है कम से कम 11 बजे आसपास हो चुका है टाइम, और सामान वामान सारा हमारा यहीं पर रहेगा। होटल हमने मतलब ये रूम बुक रखा है हमने। पदुम से निकल चुके हैं और हम लोग जा रहे हैं पेंजिला पास। तो पेंजिला पास से पहले आएगा रंगदूम, तो करीब करीब 80 किलोमीटर पेंजिला पास है यहाँ से। तो मुश्किल से मुश्किल अगर नॉर्मल स्पीड मेंटेन करते हैं तो 3 घंटे कम से कम चाहिए हमें वहाँ पहुँचने के लिए। अब देखते हैं, अब अभी टाइम हो रहा है 12 बज रहे हैं अभी, तो कितने बजे तक हम लोग रंगदूम पहुंचते हैं, रंगदूम से फिर पेंजिला कितने बजे तक पहुंचते हैं। तो पदुम रुकने का स्टे है आज हमारा, क्योंकि क्या है नईम की थोड़ी तबीयत ख़राब है, तो बस आज पेंजिला पास करके वापस यहीं पर रुकेंगे और फिर कल निकलेंगे हम सिंगिला की तरफ, सिंगिला सिलसिला की तरफ, फिर वहाँ से ले ही निकल जाएंगे डायरेक्ट। क्या हो गया था, कुछ भूल गए थे क्या? एक का है गिर गया, क्या हुआ? अरे आज तो पट्टा बांध लिया भाई ने। बाकी रोड अच्छा है, मैं अभी तक वहां तक जाकर आया था, उधर भाई आगे तक। भैया जी पेट्रोल भर दो, पिचानवे का रेट है क्या? है 106, लो भर दो। एक बार देखो ये कील लग रही है, देखो इसमें। इस पदुम से निकलने के बाद 4-5 किलोमीटर का अच्छा रोड है, उसके बाद फिर वही ऑफ रोड का पैच आ जाएगा। एक छोटा गांव और आते हुए बीच में, और बड़ा ही प्यारा गांव है, देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। और सारे के सारे यहाँ मड हाउस है, देख सकते हो आप। नहीं नहीं ठीक, अपने यार एक चीज गलती कर दी, अपन पानी लेके नहीं आया, आगे देखते कहीं। ठीक है भाई, पूरा रोड कच्चा है, तो देखते हैं साइडलिंग करते हुए कैसे चलते हैं हम लोग यहाँ से। आराम से आराम से आराम से आराम से, रत्नाक्स विलेज
ये को बच्चे घूमते हुए यहाँ। और भाई डोलू नाक बहरी तेरी। झूले कितना किलोमीटर भैया? और कितना ऊपर है? कहाँ जाने? पेंजिला। पेंजिला 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 यहाँ से होगा लगभग 20-30 किलोमीटर। मतलब आधा घंटा हो गया। ठीक है, ऊपर ऊपर अच्छा कर भी जाना है? नहीं वापिस जाएंगे। हाँ रोड ऐसे ही वहाँ से आगे से अच्छा है। ठीक है भैया, थैंक यू। 20 किलोमीटर और बता रहे हैं। तो ये भी आओ कैंप पे देखते हैं यहाँ पे अगर पानी मिलता है तो। भाई खाना बन रहा है तो परांठा बन रहा, परांठा वो तो है ही। पानी पीना जरूरी है। पानी पीना, पानी पानी पीना। तो भाई बीआरओ जैसा ही कोई मैच था यहाँ पे और जस्ट भाइयों ने हमने यहाँ पे फूड के लिए पूछा था तो मस्त देसी खाना मिला अपने यहाँ का मसाले वाला फुल। और ये वहाँ पे भाई फूड अच्छा है, बढ़िया जो अपने घर का बनता है तो खाते हैं। और यहाँ से 5 किलोमीटर और पेंजिला थोड़ी देर में पहुँचेंगे। तो भाई कैसा लग रहा खाना? बहुत बढ़िया। 4-5 दिन बाद ऐसा खाना। नहीं तो ना मसाला ना नमक ना मिर्च का खाना मिलता था। 5 दिन से बस मोमोज समोसे बस यही खा रहे हैं। मैगी समोसे भी चलो मिल गए, नहीं तो समोसे मिलते नहीं कहीं। हम लोगों ने वहाँ पे खाना खाया था NSCL के उस वहाँ पे क्वार्टर पे और इतनी हाइट पे आके यहाँ पे अपना पेंजिला पास आते हुए सामने का देखो क्या व्यू आ रहा है। एकदम रंग द्रुम करके कुछ नाम है इस जगह का और पूरा ग्लेशियर है, पूरा ग्लेशियर एकदम चादर और ऊपर की साइड तो बिल्कुल जमा हुआ है। रंग द्रुम शायद यही है। यही है भाई पेंजिला, यही है पेंजिला पास, यही है। कितना दूर है? नहीं है कि वैसे तो अभी तो थोड़ा और आगे बता रहे हैं। सामने दिख रहा है ये द्रांग द्रुंग ग्लेशियर है और देख सकते हो थोड़ा सी डस्ट है इधर और ऊपर से बर्फ है, पूरी पूरी बर्फ है। ये देखो जूम करके पूरी बर्फ है और ये नज़ारे यहाँ के। और कुछ ऐसा व्यू यहाँ से मुश्किल से 1 किलोमीटर और है बस पहुँचने वाला। भाई बढ़िया, सब बढ़िया, बहुत बढ़िया व्यू है यहाँ पे। वेलकम वेलकम टू पेंजिला पास। और पेंजिला पास के नज़ारे ही अलग है तो पेंजिला पास एक बार देखिए। मेरे लेफ्ट साइड में कोई लेक है छोटी सी, ज़्यादा पानी नहीं है उसमें और ये अपना पेंजिला पास। वाव 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 वाव। और शायद इसका बोर्ड देखते हैं कहाँ लगा हुआ है।
एक ऊपर वो व्यू देखने के लिए, आई थिंक यहाँ होना चाहिए एयरपोर्ट। यार क्या लेक है भाई, तो ये अपना पेंजिला 4400 मीटर एल्टीट्यूड, 14,000 फीट की हाइट पे। और ये भाई पेंजिला कलिया, और क्या व्यू है भाई, सामने का व्यू देखो यार, गजब। ग्लेशियर का पानी बिल्कुल एकदम चिल्ड, और वो व्यू पॉइंट, वहां से व्यू पॉइंट देखने का बिल्कुल नजारे अलग है। अभी हम लोग पहुंचे हैं प्राकृतिक ग्लेशियर, और मुश्किल से यहाँ से 60-70 किलोमीटर और होगा, तो कवर कर लेंगे। Gracias.